अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो असल शहद है उसको आप किस तरह चेक करेंगे और नकली शहद की क्या क्या निशानी है। एक तो लेबॉरेटरी के ज़रिए टेस्ट होता है जो फूड एक्सपर्ट करते हैं, और आप किसी भी फूड एक्सपर्ट से कंसर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ कुदरती ऐसी निशानियाँ बताऊँगा उसके जायके के लिहाज से, मिठास के लिहाज से, या शहद की बनावट के लिहाज से कि आप शहद को कैसे पहचान सकते हैं। हमारे यहाँ दो किस्म का शहद होता है, एक जंगली और दूसरा फार्मी। जंगली शहद वो कहलाता है जो दूर दराज दरख्तों पे या कुछ लोगों ने अपने घरों में कुछ ऐसा अहतमाम किया होता है कि वो जो शहद की मक्खी है उनके घर के किसी कोने में उन्होंने उसके लिए जगह बनाई होती है और वहाँ पर आकर वो बसेरा करती है और बाद में वहाँ पर शहद देती है। और जंगलों में दूर दराज मुख्तलिफ दरख्तों पर मुख्तलिफ जायकों का शहद होता है, जैसे बेरी का शहद, जैसे कमाद गन्ने का शहद, इसी तरह सरसों का शहद, माल्टे का शहद, और इसके सिवा मुख्तलिफ जंगली जो फल होते हैं या वैसे दरात होते हैं उन पर शहद की मक्खी शहद बनाती है। और जो फार्मी शहद होता है वो क्या होता है कि लोगों ने डब्बे बनाए होते हैं, उन डब्बों के अंदर उन्होंने मक्खियाँ रखी होती हैं और साथ ही उन्होंने उनके खाने पीने का अहतमाम किया होता है, कुछ गुड़ चीनी इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं और कुछ कुदरती चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं और मक्खियाँ वहाँ से खा कर वहाँ पर वो शहद देती हैं। अब जो सही शहद है वो कुदरती यानी जंगली शहद होता है। इसकी भी मुख्तलिफ अकसाम हैं। उमूमन अक्टूबर के महीने से लेकर 10 नवंबर तक जो शहद काश्त किया जाता है, जो शहद उतारा जाता है, वो बेरी का शहद कहलाता है, जंगली बेरी का शहद कहलाता है। और ये जायके में सबसे ज़्यादा नफीस और लजीज होता है और बहुत ज़्यादा मकबूल है। सिंध में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में ये बहुत बड़े पैमाने पर उतारा जाता है। जितने जिस इंसान के सोर्सेज हैं या शिकारी हैं उतना ही ज़्यादा इंसान ये शहद जमा कर सकता है। बहरहाल हमारे दोस्त अहबाब मनों के हिसाब से ये इस टाइम पीरियड के अंदर वो ये शहद उतारते हैं। खैर, जो बेरी का शहद होता है इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, ये बेरी का शहद है। ये भी बेरी के छत्ते हैं और ये बेरी के निचोड़े हुए छत्ते हैं, यानी जिन्हें सही तरह से निचोड़ कर जिनसे शहद निकाल दिया गया और जो खाली फोक नुमा चीज़ बचती है वो ये है। और इसी तरह ये हमारे पास छोटी मक्खी का जंगली शहद है, ये फार्मी शहद है, ये भी फार्मी शहद है। और आज हम कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे आप बासानी बगैर किसी मेथड के, बगैर किसी लेबॉरेटरी टेस्ट के, आप कुछ अपना देसी अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी चीज़ कितनी ओरिजिनल है। उमूमन जब हम किसी भी स्टोर से जब शहद लेते हैं तो हमें इस फॉर्म में मिलता है, इस तरह, इस डब्बे में या इस डब्बे में या शीशे की छोटी बोतल में, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह। और अक्सर लोगों को, हालांकि ये हर घर के इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी पहचान का इलम नहीं होता क्योंकि बहुत कम मकदार में ये ख़रीदा जाता है। लोग 200, 500, 1000 रुपये का ख़रीद लेते हैं और कोई भी उसका टेस्ट नहीं करता कि ये सही है या सही नहीं है, मिलावट है या क्या है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में इतना शहद कुदरती तौर पर जंगली फार्मी दोनों को मिलाकर बनता नहीं है जितना बेचा जाता है। उसका साफ मतलब ये हुआ कि मिलावट की जाती है, बहुत ज़्यादा मकदार में मिलावट की जाती है। असल शहद की पहचान क्या है? जो असल जंगली शहद होता है कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसको उतना गाढ़ा नहीं रखा होता जितना ये लोग फार्मी शहद और बनावटी शहद को गाढ़ा बना लेते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है, जो कुदरती है, जो फितरती चीज़ है, वो मोतदिल है, उसमें इतना ज़्यादा गाढ़ापन नहीं है कि वो इंसान को खाने में दुश्वारी हो, उतारने में दुश्वारी हो, चिपका रहे, वो उतरे ही ना। दूसरी वजह यह है कि जो ये फार्मी या जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये असल की नकल उतारते हुए असल से भी आगे चले जाते हैं। मतलब उसको इतना गाढ़ा करते हैं, उसके अंदर इतना ग्लूकोज डालते हैं, इतने अज्जा शामिल करते हैं, इतने केमिकल्स शामिल करते हैं, ये साबित करने के लिए, आवाम को बताने के लिए कि ये देखें इतना गाढ़ा है, वो गाढ़ापन साबित करने के लिए असल से आगे गुजर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं। तो ये मेरे सामने इस वक्त बेरी का शहद है, ये आप देख लें, ये आप थोड़ी देर ऐसे करेंगे इसकी जो, इसका जो तसलसल है वो टूट जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये गाढ़ा तो है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। इसके बरक्स अगर आप फार्मी शहद को इस तरह करेंगे तो उसकी मिनटों तक इस तरह लाइन लगी रहेगी और वो ख़त्म ही नहीं होगी और वो गाढ़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप
एक मरतबा ये शहद इस तरह चेक कर लें तो आपको इल्म हो जाएगा कि ये असल है या नकल है। ये देखें, ये अब फार्मी शहद है या वो शहद है जिसमें अमूमन मिलावट की जाती है जो मार्केट में आम दस्तयाब होता है। इसकी लाइन ख़त्म ही नहीं होती और नीचे भी उसके गाढ़ेपन का मंजर नज़र आ रहा है कि ये कितना गाढ़ा है। अब ये धागे की तरह लगी रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसको जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो ओरिजिनल नहीं होता। और बाज़ लोगों ने ये मेथड बनाए होते हैं कि इसको आग नहीं लगती, अगर इसको आप पानी में इस तरह फेंक दें तो इसकी लहर इलादा से रहती है, ये पानी में मिक्स नहीं होता। ये सब चीज़ें, ये सब कायदे ख़ुद से बनाए हुए हैं, इसमें किसी का भी ताल्लुक इसके असल होने से नहीं है। जो असल की पहचान है वो मैंने आपको बताया कि कदरे वो पतला होगा, वो इतना गाढ़ा नहीं होगा। गाढ़ा ज़रूर है ये देख लें आप, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होगा। हमेशा आपको चाहिए कि अगर आपको शहद की ज़रूरत है तो अपने करीब तरीन किसी भी ऐसे बंदे से जो शहद का शिकार करता हो, शहद उतारता हो, आप उससे पूरे साल के लिए या जितना आपने लेना है आप उससे ले लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मार्केट में मौजूद इस वक्त जितने भी शहद हैं, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन सब के सब ये शहद बेच रहे हैं। अब इसका कलर कभी ज़्यादा डार्क होता है, कभी इसका कलर वाइट होता है, लाइट होता है, मुख्तलिफ कलर्स इसके अवेलेबल हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो वाइट है वो प्योर है, खालिस है, और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो डार्क है वो ज़्यादा अच्छा है और वो खालिस है। हालांकि बात ये है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मुख्तलिफुन अलवानु फीह शिफाउन लिन्नास, कि इस शहद के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो कलर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कलर उसका वो लाइट ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डार्क ही हो तो वो ओरिजिनल होगा। कलर से इसके ओरिजिनल होने का, खालिस होने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ओरिजिनल का कलर भी इस तरह हो सकता है और जो बनावटी है उसका कलर भी इस तरह हो सकता है। ओरिजिनल का कलर भी डार्क हो सकता है और बनावटी, और जो खालिस नहीं है उसका कलर भी इस तरह हो सकता है। तो ये पहचान नहीं है। पहचान क्या है कि जो असल ओरिजिनल यानी जंगली शहद होता है वो जायके में मुतदिल होता है। जब अगर आप उसके एक आधा चम्मच खाते हैं तो आपको मज़ीद खाने का आपका दिल करता है। आप उसके आप उसकी इस मिठास से बेजार नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप एक चम्मच लें या दो चम्मच लें तो आप कहें कि बहुत ज़्यादा मीठा मैं और नहीं खा सकता। बल्कि जो मरीज़ है, जो शुगर का मरीज़ है, वो भी अगर कुदरती या खालिस जंगली शहद इस्तेमाल करता है तो उसका दिल करता है कि मज़ीद खाए, और वो उस पर रिएक्ट भी नहीं करता। जबकि जो बाजारी है, अगर मिलावट वाला जो या फार्मी अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो ज़्यादा नहीं खा सकेगा, वो लजीज नहीं होगा। और ये जो कुदरती और जंगली शहद होता है, इसकी एक पहचान ये भी है कि ये अपने जायके के लिहाज से मुतदिल होता है। आप इसको अगर खाएंगे तो मज़ीद आपका खाने का दिल करेगा और आप खाते ही जाएँगे। जबकि इसको असल की नकल करने के लिए बनाया गया, और ये असल की नकल करने में असल से भी आगे गुजर गया। इसमें इतना मीठा डाला होता है कि बंदा एक चम्मच लगाता है तो बेजार हो जाता है, बंदे का खाने का दिल ही नहीं करता, या बंदे के सीधा गले को पड़ जाता है और बंदे के गले में खराश आने लगती है और बंदा बेजार होने लगता है। तो जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो अमूमन फार्मी या फिर बनावटी दो नंबर शहद होता है। दूसरी बात ये याद रखें कि अक्सर लोग इस वक्त, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो जिनकी खालिस शहद तक दस्तरस नहीं है, पहुंच नहीं है, वो क्या करते हैं कि 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जितने रुपए का भी उन्हें किलो मिले किसी भी छोटे बड़े स्टोर से या अपन स्टार स्टोर से वो शहद ले लेते हैं। और ये शहद जो है सारी ज़िंदगी वो इस्तेमाल करते रहते हैं, और सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करने की वजह से उनकी एक सोच डेवलप हो चुकी होती है, एक अंदाज़ा उनका मुकर्रर हो चुका होता है कि ये जी शहद का जायका है। अब उन्होंने कभी सारी ज़िंदगी जो खालिस है वो कभी खाया ही नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने कुदरती इसके अंदर जायका रखा हुआ है, जो इसकी पहचान है, जो इसकी लज्जत है, उन बेचारों ने सारी ज़िंदगी इसको कभी टेस्ट किया ही नहीं होता, खाया ही नहीं होता। तो फिर क्या होता है, अगर एक बंदे ने 10-20 साल ये शहद इस्तेमाल किया और उसका एक जहन बन गया कि ये शहद का टेस्ट है, ये शहद का जायका है, उसके बाद उसको किसी ने ये वाला शहद टेस्ट करवाया कि भाई आप ये शहद इस्तेमाल करें या ये शहद खाएं, ये हमने खुद निकाला है, हमने खुद ये उतारा है, खुद शिकार किया है, तो कहेंगे भाई ये शहद का जायका नहीं है, हमने तो शहद बहुत खाए हैं लेकिन ये शहद नहीं है,
वो सिरे से इसके शहद होने का ही इनकार कर देंगे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कभी शहद खाया ही नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आप शहद ख़रीदें तो आप शहद के साथ इस ये जो छत्ता है इसका आप मुतालबा करें कि हमें आप साथ छत्ता भी भेजें। अभी हम इस छत्ते को निचोड़ेंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि इससे शहद किस तरह निकलता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शहद है ये बेरी का शहद है, और ये जो छत्ता है बेरी का छत्ता है, और ये बड़ी मक्खी का शहद है, छोटी मक्खी का शहद नहीं है। जो छोटी मक्खी का छत्ता होता है, छोटी मक्खी के छत्ते में उमूमन छोटा छत्ता होता है, और उसको जो टहनी है जिस टहनी पर कुदरती तौर पर वो बना गया है सजाया गया है तो उस टहनी समेत ही उसको काट लिया जाता है। जबकि जो ये बड़ी मक्खी का जो शहद होता है इसका छत्ता बहुत बड़ा होता है। और ये हमारे सामने इस वक्त बड़ी मक्खी का छत्ता है यानी बेरी के शहद का, इसको हम अब निचोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इससे शहद किस तरह निकलता है। तो इसको छोटा कर लेंगे, बड़ा छत्ता निचोड़ने से सही निचड़ता नहीं है, इससे हम एक पीस ले लेते हैं। ये देखें ये इसके अंदर शहद है, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती बनावट है। ये देख ये गाढ़ा ज़रूर होता है लेकिन इसके गाढ़े में वो जो लेसदारपन होता है ना जो बाजारी लोग बनाते हैं वो उतना नहीं होता जितना उन्होंने बनाया होता है। और इसको निचोड़ने के बाद फिर ये इस तरह इस फार्म में ये मौजूद होता है। और शहद के सफ़ेद या डार्क होने की एक वजह ये भी होती है कि अगर कोई लाइट है तो वो उसका मतलब है कि उसका जो छत्ता था वो सफ़ेद था इस तरह का, और अगर वो डार्क है तो उसका मतलब है कि उसका जो छत्ता था वो इस किस्म का था। और जो छत्ते का निचला हिस्सा होता है वो इस तरह का डार्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि शहद को बराबर यानी डार्क भी और इसी तरह लाइट भी दोनों ही जो छत्ते होते हैं उनको इकट्ठा निचोड़ दिया जाता है तो उससे फिर इस किस्म का शहद निकलता है जो ये वाला है या जो ये वाला है, ये वाला ना ज़्यादा डार्क है और ना ज़्यादा ये लाइट है। तो अगर छत्ता आपको सफ़ेद मिल जाए और सारे का सारा सफ़ेद हो तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो शहद होगा वो बहुत ज़्यादा वाइट होगा, उसके अंदर कोई डार्कनेस नहीं होगी। और कभी अगर आपको छत्ता ऐसा मिले कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो डार्क हो तो फिर उससे आपका शहद उस तरह का निकलेगा। इसके सिवा और भी वजूहात होती हैं। उमूमन जो ये जो जंगली शहद होता है ये इसके तीन चार सीज़न होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो बेरी का शहद है जो सबसे ज़्यादा लजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मकबूल है और मुफीद भी है, जायका भी बहुत अच्छा होता है, ये उमूमन अक्टूबर के महीने में हमारे पंजाब में और नवंबर 10 नवंबर तक ये कास्ट किया जाता है। उसके बाद जिन लोगों ने इसको स्टॉक कर लिया अपने पास रख लिया आगे बेचते रहे या जैसे भी, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर जनवरी कोई शहद नहीं होता। जनवरी फरवरी में जाकर फिर सरसों का शहद आता है। सरसों का शहद इतना ज़्यादा मकबूल नहीं है क्योंकि उसके अंदर गैस जमा हो जाती है। अगर आप उसको इस तरह किसी बॉटल में डालेंगे और कुछ देर रखेंगे तो उसके ऊपर झाग बन जाएगी। ये बात याद रखें कि अब इसके ऊपर झाग है, इस शहद के ऊपर झाग है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं है। अगर आप इसे देख सकें, ये कुदरती बात है कि जब आप तीन चार छत्ते निचोड़ेंगे तो झाग ज़रूर आएगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जब आप सरसों का शहद निचोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग जमा हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि जब उसका ढक्कन खोलेंगे आप तो जिस तरह आप ये सोडा वाटर जो होते हैं इनका आप ढक्कन खोलते हैं तो अंदर से गैस निकलती है, इस तरह उसमें गैस जमा हो जाती है। सरसों के बाद फिर मार्च अप्रैल में, मार्च के महीने में माल्टे का शहद आता है और उसमें थोड़ी सी खटास होती है कुदरती तौर पर, वो भी ज़्यादा मकबूल नहीं है खटास की वजह से हमारे यहाँ पंजाब में। उसके बाद मौसम बहार का शहद आता है, वो कुछ अच्छा होता है और वो जून तक मई तक तकरीबन वो काश्त किया जाता है। फिर जून जुलाई अगस्त के महीने में शहद काश्त नहीं किया जाता, उस वक्त का शहद गर्मी के लिहाज से काबिल इस्तेमाल नहीं होता, अगरचे उसको लोग बाज़ लोग बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर ये अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला ये बेरी का शहद होता है। बहरहाल
ये शहद के मुतालिक कुछ ख़ास बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो अगर आपको शहद चाहिए हो, खालस शहद चाहिए हो, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने के इब्तदाई दिनों में आप इसे ख़रीद लें और रख लें। मेरे एक जानने वाले हैं, जब कुछ दिन पहले मैं उनके पास गया तो शहद लेकर गया, मैं बड़ी खुशी से उनके पास शहद लेकर गया, तो मुझे कहने लगे कि हम साल भर का जो शहद है वो अपने घर के लिए ख़रीद लेते हैं और हम चीनी के बजाय ये शहद इस्तेमाल करते हैं। और अतिब्बा लोग ये कहते हैं, जादू जिन्नात के माहरीन लोग ये कहते हैं कि जो लोग अपने खाने के अंदर इस ग़िज़ा को, मुबारक ग़िज़ा को, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि फ़ी शिफा उल्लिन्नास, इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की शिफा है, जो लोग अपनी ग़िज़ा के तौर पर शामिल कर लेते हैं और जिनके बच्चे इस ग़िज़ा से परवान चढ़ते हैं, यानी शहद से, दूध से, इंजीर से, खजूर से, मुबारक ग़िज़ाओं से, जैतून के तेल से, तो उन बच्चों के अंदर बीमारियाँ नहीं बनती, उनके जिस्म बीमारियों को कबूल नहीं करते, उनके अंदर वो जरासीम डेवलप नहीं होते जो आम लोगों के अंदर हो जाते हैं जो हर किस्म की चीज़ खा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो परवरिश है वो मुबारक ग़िज़ा के ऊपर हुई होती है। तो अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप चीनी के तौर पर शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह बाद लोगों का ये ख्याल है कि शहद जम जाता है और जो शहद जमता है वो खालिस नहीं होता, ये बात नहीं है। जो खालिस शहद है, हमारे अपने हाथों का उतारा हुआ, खुद का शिकार किया हुआ, वो भी कभी कभी जम जाता है। कभी कभी दिसंबर या जनवरी के महीने में हम उसे जब रखते हैं तो वो जम जाता है, उसके नीचे छोटी सी तह बन जाती है। तो ये उसके खालिस होने की या ये उसके दो नंबर होने की पहचान नहीं है, कोई शहद जमता भी है, कोई नहीं जमता। इसके सिवा बाद लोगों ने ये कायदा और कुरिया भी बना रखा है कि जो शहद है वो अगर जमेगा नहीं तो वो खालिस होगा। हालांकि जो शहद की मक्खी है उसका जो छत्ते का जो टम्परेचर होता है वो 30 से 35 होता है और उसके अंदर शहद देती है। अगर आप इस शहद को 60 पर ले जाएं, 60 के टम्परेचर पर अगर आप इसको ले जाएं, तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। जब ये पिघलेगा तो इसके अंदर से जो कुदरती अज्जा हैं, जो खालिसपन है इसका, वो इसका पिघल जाएगा। जब वो इससे निकल जाएगा, फिर इसके अंदर ऐसे केमिकल लोग, ऐसे अज्जा शामिल कर देते हैं जो इसको जमने नहीं देते, यानी इसका जो खालिसपन है निकाल कर इसके अंदर ख़ुद की बनाई हुई चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। और जब वो ऐसा कर लेते हैं और जमता नहीं है तो लोग समझते हैं जी माशाल्लाह ये तो जमने वाला नहीं है, ये तो खालिस है। हालांकि खालिस नहीं है। शहद को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शहद को आम आप नॉर्मल मतलब टम्परेचर में रख सकते हैं, जो रूम टम्परेचर होता है, और इसको फ्रिज में रखने की जरूरत, फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रीज़ करते हैं या नॉर्मल आपने रखा हुआ है रूम टेम्परेचर में, अगर फिर ये थोड़ा बहुत जम जाता है तो ये इस बात की निशानी नहीं है कि ये दो नंबर है। और वैसे ये जो बेरी का शहद होता है ये जमता नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कभी कभार कहीं से ये सुनने को मिला है कि वो जम गया, लेकिन वैसे जमता नहीं है। इसके सिवा जो जंगली शहद होते हैं वो जम जाते हैं। आप चाहे थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करवाएं, लेकिन ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके सिवा इसके बहुत सारे फ़ायदे आपने सुना होगा, देखा होगा अतिब्बा को, उलमा को बयान करते हुए जो इसके माहिरीन हैं। मैं इसका माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसकी जो मुनासिब मालूमात, डिटेल या पहचान, वो मैंने आप अहबाब की गोश गुजार कर दी। इस वजह से भी कि बाज़ लोगों को मैंने शहद भेजा, मेरे जो बड़े भाई हैं मैंने जब उनको भेजा तो उन्होंने भी फितरती बात है ये बेरी का शहद पहली मरतबा चेक किया, तो मुझे कहने लगे कि यार ये तो इतना मीठा नहीं है और ना ही इतना गाढ़ा है, और मुझे इससे कुछ गुड़ टाइप की मुझे ना इससे खुशबू आ रही है, तो ये क्या है। तो फिर मैंने उनको तफसील में ये बात समझाई कि जो कुदरती शहद होता है वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता और वो इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रंग ऐसा है और इसका जायका ऐसा है और ये गाढ़ा नहीं है, इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाज़ारी चीज़ें होती हैं मार्केट की, आप दूध की मिसाल ही ले लें, वो मीठा भी होता है, वो गाढ़ा भी ज़्यादा होता है, वो ख़राब भी नहीं होता, लेकिन वो जाली होता है। जो ओरिजिनल होता है वो दूध आप 10-12 घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और इसके सिवा वो इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। जो डिब्बे वाला है वो ज़्यादा गाढ़ा भी होगा, मीठा भी होगा, वगैरह वगैरह। तो असल चीज़ की जो पहचान है वो ये है कि जो कुदरत ने उसके अंदर जो मकदार रखी है वो बरकरार रहे, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो इंसान को रिएक्ट करे। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर लें, और
इस आगाही की मुहिम में दीगर अफराद को भी शरीक करें ताकि वो जो है इस खालिस चीज़ को ख़ुद भी चखें, उन्हें इस चीज़ की पहचान हो, इस चीज़ का इम्तियाज़ हो और वो धोखे से बच सकें। बहुत शुक्रिया।